नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के एक ऐसे देवता की जिनकी पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर में पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में तीन प्रधान देव माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी इस संसार के पालनहार कहलाते हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारे देश में हर एक देवी देवता के कई सारे मंदिर आपको मिलेंगे, मगर ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया था कि देवता होने के बावजूद भी कभी भी उन्हें पूजा उनकी नहीं होगी। पुष्कर जैसा ब्रह्मा जी का पौराणिक मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। पौराणिक कथा यह है कि पत्नी सावित्री ने ब्रह्मा जी को क्यों दिया था श्राप, इसके पीछे की वजह क्या रही होगी। पुष्कर का शाब्दिक अर्थ है तालाब, जिसका निर्माण फूलों से होता है। माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने मन में धरती की भलाई करने का ख्याल आया और उन्होंने इसके लिए यज्ञ करने का फैसला लिया। उन्हें यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। उन्होंने अपनी वहां से निकले कमल को धरती पर भेजा। ये कमल बिना तालाब के नहीं रह सकता था, इसलिए यहाँ एक तालाब का निर्माण हुआ। यज्ञ के लिए ब्रह्मा यहाँ पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री यहाँ पहुँच नहीं पाई। यज्ञ का वक्त निकला जा रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय ग्वाल बाला से शादी कर ली और इस यज्ञ में बैठ गए। ऐसा देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद भी कभी आपकी पूजा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी और कोई दूसरा इंसान आपका मंदिर बनाएगा तो उसका कभी भला नहीं होगा। कब हुआ इस मंदिर का निर्माण? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ। पुष्कर झील के किनारे बसे इस ब्रह्मा मंदिर को किसने बनाया, इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले एक शासक ने अपने में देखा कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसे रख रखाव की ज़रूरत है। तब उस शासक ने पुराने ढांचे को दोबारा सही करवाया। सावित्री का भी है मंदिर। पुष्कर में सावित्री जी का भी मंदिर है जो कि ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर बसा हुआ है। 11वीं सदी में बना था ये वाला मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 14वीं सदी में हुआ था। इस मंदिर में राशि छवि वाले कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी की चार मुखी वाली मूर्ति बनी हुई है, जिसके बाएं ओर उनकी पत्नी गायत्री और दाएं ओर सावित्री बैठी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी। ऐसी ही तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत सिंह की रिपोर्ट।